तो दोस्तों वन पीस का जो इस वीक का एपिसोड था वो एपिसोड देख के आप लोगों को कैसा लगा मेरे को नहीं पता मालूम, लेकिन इस एपिसोड के फर्स्ट में जो हम लोगों को दिखाया गया था वो देखकर आप लोगों के मन में ये जरूर जिज्ञासा जागा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कुमा के साथ ये हुआ था क्या और कुमा ने क्या क्या चीजें फेस किया। एपिसोड के फर्स्ट जो 5 मिनट थे जहाँ पे बॉनी देख रही थी कि उसके पापा को सब लोग मार रहे हैं और कुमा वहाँ पे चिल्ला रहा है कि मेरे को छोड़ दो, मैं मर जाऊँगा अगर वहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे कुमा कहाँ पे जाने की बात कर रहा था। और लिटरली कुमा जो रो रहा था ना, जो वॉइस एक्टिंग यहाँ पे कुमा के ऊपर दिया गया है, लिटरली मेरे को वही देख के मेरे आँखों में ऐसे आ गए लाइक मैं यहाँ पे कैसे देखूं। एज अ मांगा रीडर मेरे को पता है कि कुमा के साथ क्या क्या हुआ है और उसने क्या क्या चीज़ें फेस किया है और बॉनी के साथ भी क्या क्या चीज़ें होने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो सीन था एपिसोड के फर्स्ट 5 मिनट का लिटरली ब्रोक मी, क्योंकि इस सीन के अंदर आप लोग कुमा के जो वॉयस है उसका पेन आप लोग नोटिस कर सकते हो कि उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सहा है। उसको लोग मार रहे हैं, वो यहाँ पे बोल रहा है, वो कतरा रहा है कि मेरे को वहाँ पे नहीं जाना, उससे अच्छा तुम मुझे यही मार दो। और बॉनी ये सब कुछ देख रही है इन कुमाज मेमोरी और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती अपने पापा को बचाने के लिए। मतलब आप लोग सोचो कि बॉनी वहाँ पे कितनी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद इवेंचुअली वो उस मेमोरी से बाहर हो गई, लेकिन फिर भी उसने वो नोटिस किया कि उसके डैड के साथ असल में हुआ क्या। और इसके बाद और भी चीज़ें आने वाला है दोस्तों, आप लोग रेडी नहीं हो कुमा का बैक स्टोरी देखने के लिए? अगर आप लोगों को लगता है कि द बेस्ट बैक स्टोरी वॉज सेनर पिंग, आप लोग गलत हो। कुमा का जो बैक स्टोरी है वो साइड कैरेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सबसे ज़्यादा इमोशनल है, वो आपको तोड़ के रख देगा, आप लोग जस्ट वेट करो और उसके बाद देखो। और दोस्तों उस 5 मिनट के बाद वन पीस का जो बाकी के एपिसोड था वो मेरे को ठीक ठाक लगा। वन पीस के बाकी के एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया कि सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं जो पिछले एपिसोड में कर रहे थे। 3 क्रू ऐसे वेगापंक को ढूंढ रहे हैं, लूफी और जोरो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा मोमेंट था, सबसे ज़्यादा कॉमेडिक मोमेंट था, वो था सांजी बींग सांजी वाला मोमेंट। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि आप लोगों को पता है कि सांजी लड़कियों के साथ कैसा है, वो सिंप है, बहुत ही बड़ा सिंप है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि सांजी लड़कियों के लिए कुत्ता भी बनने को तैयार है। आई मीन लिटरली उस सीन के अंदर आप लोग देखो यार, आई मीन लिटरली सांजी उसने क्वीन को हराया, उसने इतने बड़े बड़े विलेंस को हराया और वो यहाँ पे कुत्ता बन के बैठा है और वो भी स्टूसी का। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थी, आई मीन ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सांजी से क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंप है, लेकिन फिर भी वो कुत्ता बन चुका है यहाँ। वेरी बैड। आप लोग ऐसा लगा मुझे कमेंट से कम जरूर बताइएगा। इसके बाद एक मिस्टीरियस चीज़ है जो सारे लोगों को, मतलब पिथागोरस को उसके बाद यॉर्क को मार रही थी, और वो कौन थी वो हम लोगों को एंड आते आते एपिसोड के अंदर दिखाया गया, और वो और कोई नहीं, वो थी बोआ हैंकॉक की सेराफिन। अब वो ऐसा क्यों कर रही है वो हम लोगों को आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि वन पीस का जो ये एपिसोड था ये बैलेंस था इमोशनल और थोड़ा कॉमेडिक एलिमेंट के साथ, और एंड में आते आते ये थोड़ा सीरियस भी हो जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि एगेड आइलैंड के अंदर एपिसोड तो थोड़े बहुत बोरिंग चल रहे हैं, तो आप लोग गलत हो। ये सिर्फ काम है बिफोर द स्ट्रॉम, जब स्ट्रॉम आएगा आप लोग हैरान हो जाओगे। आप लोग मेरे को अगर कमेंट करोगे कि भाई ये चल क्या रहा है, लिटरली वन पीस के मांगा के अंदर तो एक टैलेंट चल ही रहा है और मांगा के अंदर जैसा चल रहा है लिटरली आप लोग हैरान हो जाओगे। और अगर आप लोग वन पीस का मांगा नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे जाके मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने वन पीस के नए चैप्टर के ऊपर एक रिव्यू डाला है। लिटरली तबाही चल रहा है मांगा के अंदर। मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं कि आप लोग अपना मजा खराब कर दो, लेकिन फिर भी वन पीस के मांगा के अंदर जो चल रहा है ना वो एनीमे से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और अभी आगे आने वाले एपिसोड के अंदर आप लोगों को जो जो चीज़ें दिखाई जाएंगी उसके लिए आप लोग रेडी नहीं हो। और आप लोगों को अगर हर एक एपिसोड का रिव्यू जानना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 100% लोग वीडियो देखते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग जो है वो सब्सक्राइब करते हैं और 90% लोग जो है वो वीडियो देख के चले जाते हैं। क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे कॉन्टेंट ला सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।